ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज श्री ओमर उमर वैश युवा शक्ति संगठन द्वारा आज द्वितीय स्थापना दिवस का आयोजन ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। सर्वप्रथम समाज के डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता व श्री अजय गुप्ता द्वारा स्वामी श्री जगन्नाथ जी व भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। उसके उपरांत समस्त लोगों द्वारा ईश वंदना व राष्ट्रगान गाया गया। परिचय दे दें। मैं शुभम गुप्ता, श्री उमर उमर वैश्य युवा शक्ति संगठन का सदस्य हूँ। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बताएं। आज हमारा द्वितीय स्थापना दिवस है जिसपे हम समाज को आज दीप फ्रीजर समर्पित कर रहे हैं, जिसमें ये 100 के लिए है और इस तरीके की व्यवस्था हमारे समाज पे अभी तक नहीं थी, जिसको हमारा संगठन ने आगे आकर समाज को समर्पित कर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी से ये कहना, सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस जरूर है, लेकिन अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। सभी लोगों से आग्रह है कि कोविड का पालन अवश्य करें, मास्क अवश्य पहने। बाजार खुल चुकी हैं लेकिन लोग अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं। तीसरी लहर आने वाली है या ना आए, इसके लिए हम सभी लोग को एक दूसरे की चिंतित होना चाहिए और इस चीज़ का आह्वान। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।